अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का रंग मतदाताओं के सिर चढ़ के बोलने लगा है। चुनाव संपन्न हो गए हैं, वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को बड़ी बढ़त मिली है, तो वहीं फिलहाल ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये आखिरी फिगर नहीं है। इन रुझानों में बदलाव भी हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में 7 स्विंग स्टेट ऐसे हैं जो चुनाव का परिणाम कभी भी बदल सकते हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की नजर इन 7 स्विंग स्टेट्स पर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में मिशिगन एक महत्वपूर्ण राज्य है, इसमें 15 इलेक्टोरल वोटर्स हैं। तो वहीं यहां पे ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच नजदीकी लड़ाई देखने को मिली। इस चुनाव में यहां डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर भारतीय अमेरिकी मुस्लिम और साथ ही अफ्रीकी अमेरिकी आबादी ने इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भरपूर किया है। इससे पहले यहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को समर्थन मिला था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी मिशिगन जीत लिया था, लेकिन जो बाइडेन ने 2020 में इसे फिर से डेमोक्रेट्स के पक्ष में कर लिया था। तो वही वर्तमान में पारंपरिक डेमोक्रेटिक वोटरों विशेष रूप से भारतीय अमेरिकी और मुस्लिम समुदाय में ट्रंप के समर्थन देखा जा रहा है। इस समुदाय के लोग इस बदलाव के लिए आर्थिक मुद्दों और साथ ही कमला हैरिस से असंतोष को कारण बता रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में ऑटो निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध डेट्रॉइट और साथ ही मिशिगन की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई नौकरियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ के श्रमिकों की अपनी चुनावी महत्वता है, तो वहीं मिशिगन में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ ऐसे कई जिले हैं जो मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी प्रतिनिधियों द्वारा संचालित है। डेट्रॉइट में विशेष रूप से भारतीय अमेरिकी समुदाय तेजी से बढ़ रहा है, तो वही कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ भारतीय मूल के कारोबारी अशोक ने भी कहा है कि उपराष्ट्रपति और साथ ही डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस यहाँ के मतदाताओं पर छाप नहीं छोड़ पाई है। तो वही उन्होंने आगे कहा, इस बार मैं ट्रंप को वोट दे रहा हूँ, ना कि हैरिस को। हैरिस कभी भी भारतीय समुदाय से जुड़ी नहीं दिखी। हैरिस भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए अच्छी नहीं है। तो वही दूसरी ओर ट्रंप हिंदू अमेरिकों के साथ अच्छे हैं, उनकी नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 8। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।